हाँ जी, हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्रीकाल जी सारिया नू। की हाल चाल है सारे दा? असी सारे ठीक हाँ, तो होप कर दे तुसी भी सारे ठीक हो गए। सो आज जी व्लॉग बन रहा है फ्रॉम द वेरी वेरी न्यू हाउस। लास्ट व्लॉग में आपको दिखाई दिया था कि हमारा नया घर मिल गया है, हम मूव इन कर गए थे, 4-5 दिन हो गए हैं, सेटल हो रहे हैं, अभी भी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। सो प्लीज आज के व्लॉग में अगर मैं घर आ रहा है तो आसपास की जो यहाँ वहाँ पे चीजें पड़ी उन पे ध्यान मत देना। एक बार जब सारी चीजें सेट हो जाएंगी तो हम आपको घर का पूरा टूर अच्छे से कराएंगे। सो आज डेट है जी सितंबर 16। आपको बता दें हम सितंबर 10 को यहाँ की क्लोजिंग हुई थी। जो व्लॉग आपने देखा था वो सितंबर 10 को शूट हुआ था। 12 सितंबर को हम यहाँ पे मूव हो गए थे और उसके बाद तो आपको पता है कि हालत क्या थी। एंड आज हम पहला व्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे मेरे को ईमेल आई है बच्चों के स्कूल से। आज उनका फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल है और अभी टाइम बजे हैं 8:30 और 9:30 उनको स्कूल पहुंचना है। तो हुआ ऐसा था जी कि भाई क्योंकि जगह चेंज हुई है तो स्कूल भी चेंज होना था। वहां पर हमने रजिस्ट्रेशन करा दी थी बट ड्यू टू कोविड काफी चीजें थोड़ी सी स्लो चल रही हैं। तो उन्होंने बोला था मे बी योर किड्स हैव टू मिस द स्कूल फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, बट आपको जैसे ही ईमेल आ जाएगी आप उस दिन अपने बच्चों को भेज देना। आज जस्ट इन केस मेरी सुबह 6 बजे के करीब आँख खुली है और देखा उसी टाइम ही मेरे फोन में ट्रिंग बजी और ईमेल चेक करी तो वो दोनों बच्चों के लिए ईमेल आई हुई थी कि योर किड्स आर रेडी टू गो टू स्कूल। तो मन सहज जा रहा है ग्रेड 6 में, दिल सहज इज जूनियर किंडरगार्टन। जिस दिल सहज के लिए तो ऑसम, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल ऑफ हर लाइफ। मन सहज को थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है क्योंकि मन सहज का स्कूल चेंज हुआ है एंड एज अभी आपको बताया इट्स 8:30 ओनली एंड मैं बच्चों को उठाना तैयार उठाना शुरू कर रहा हूँ। मन सहज उठ चुका है, आई थिंक नहाने चला गया है। दिल सहज को उठाएंगे, शी इज हैप्पी, बट स्कूल जाके क्या होगा आई डोंट नो। हमारे दिल में बहुत धक 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 हो रही है, हमारा दिल बहुत छोटा छोटा हो रहा है कि यार छोटी सी तो है अभी, स्कूल क्या करना जाके। बट इन एनी केस जाना तो है फॉर गुड थिंग। देयर इज नो हाउस इन द फ्रंट एंड जस्ट अ पार्क। पार्क में भी किसी दिन आपको लेके जाएंगे, सामने पॉन्ड है वो भी दिखाएंगे। बट अभी तो जल्दी जल्दी अपना काम करें। यहाँ पे मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, अपनी पुराने जो अपडेट 3-4 ब्लॉग्स बने पड़े उनको अपडेट करने हैं, बहुत बिहाइंड चल रहे हैं। सो हम जा रहे हैं जी दिल सहज को उठाने। हमारा बेड सेट अभी तक आया नहीं है, लाइट पता नहीं है नहीं है यहाँ पे आपके। ओके, बेड सेट हमारा आया नहीं है सो प्लीज डोंट मिस जज। अभी गद्दा नीचे ही रखा हुआ है और गद्दे की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। लाइट्स ओपन करते हैं सो दैट। और ये है हमारी मैडम दिल सहज। दिल सहज सुना तू गाना? दिल सहज, दिल सहज सुनी उठी नहीं रही है दिल सहज। वो देख, हाँ जी हाँ जी फ्रेंड्स, और तेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। दिल सहज, दिल सहज दिल से स्कूल जाना चुनू। दिल से आज स्कूल जाना। हाँ जी हाँ जी फ्रेंड, सत श्रीकाल जी, साढ़े नौ स्कूल जाएंगे आज भी। ये आ जाओ मेरे पास, योगा कर रही है। हाय करते सबको, चलो। यू रेडी टू गो टू स्कूल पाजी? यू रेडी टू गो टू स्कूल? आई एम गेटिंग रेडी। दाढ़ी खुली है अभी, दाढ़ी बननी है। हाँ जी फिर क्या जी, क्या चल रहा है आज? सीरियल खा रहे हो? जाने के लिए रेडी हो स्कूल? आर यू श्योर यू नॉट गोना क्राई? यू गोना क्राई? तैयारी जी जोरों शोरों से हो रही है। बच्चों के लिए बहुत तगड़ा स्टॉक हमने मंगाया था सेफ्टी से रिलेटेड। ये देखो जी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। सिमरन तुमने हाय तो बोली नहीं? सिमरन का दिल धक 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 हो रहा सुबह से।
ये जी दिल सहज का सैनिटाइजर आ गया, वाइप्स आ गए, दिल सहज का मास्क, भाजी के पास भी है अपना अपना सामान आर्मी का मास्क है, ग्रे है, है वाइप्स है एंड देन जेल एक्स ठीक है भाई। ख्याल रखना जरूरी है, ख्याल रखना भी अपना, ठीक है ना। डोंट टच एनी थिंग्स एक्स्ट्रा, कुछ भी दिल सहज से तो कुछ नहीं उम्मीद कर सकते क्योंकि ये है ही बच्ची। यूं यूं लो जी रेडी हो गए, रहोगे रेडी। शूज शूज क्रॉक्स नहीं पहने, शूज पहने दिल सहज, क्रॉक्स नहीं पहने बेटे। चलिए गो मन सहज, योर मेरी मिस मलिक की क्लास है, ठीक है ना। ठीक है, एंड लेट्स सी फॉर दिल सहज। Dil Sahaj, yeah. Your teacher is Miss Sidhu? No. And Miss Braden? No, it's not Miss Braden. It's my museum, my teacher. My museum, my teacher. इतनी ऐसी सी अंग्रेजी ना बोलियो बहन, वहां पर हमें कनाडा से देश निकालना मिल जाएगा। अच्छा पहनो अपने अपने मास्क पालो। गुड मॉर्निंग ब्रैम्पटन, ये घर से निकलते जो आपको खिड़की से बताया था स्कूल, एंड 1.5 साल के बाद अपनी क्रूज भी चलनी शुरू हुई है। माय डैड्स नेम जी एस खान, नाम लैके स्टार्ट करते हैं बच्चों का फर्स्ट डे। एंड हमेशा की तरह गाड़ी में बैठते सार जो हमेशा ब्लॉग बनाते थे अपने दूसरे घर से, इस घर से भी ट्राई करते हैं। चिल्ड्रन रेडी, मन साज रेडी, दिल साज रेडी, लेट्स गो। जा रही है, कभी नहीं रही इतना टाइम, मतलब जब से टाइम से स्पॉन। हमने 9:30 छोड़ना है और पिकअप कितने बजे? 3:30। अभी तो हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, जब बस होएगा तो आई थिंक आधा घंटा पहले और आधा घंटा लेट भी आना है इन्होंने, बस है क्योंकि स्कूल बहुत दूर है इनका। ये तो देखो दिल सहज, चलो चलो चलो। आर यू एक्साइटेड? वेट कर रहे हैं जी लाइन में, स्टैंडिंग इन द लाइन गो टू द स्कूल। हाँ जी फिर गए बच्चे स्कूल 1.5 साल के बाद। सिमरन रो के नहीं है, निकले नहीं वीडियो तेरी। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए हैं, दग 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 दग। 1.5 साल के बाद यार बच्चे स्कूल गए हैं, मार्च 2020 के बाद मन सहज आज फर्स्ट टाइम गया। दिल सहज तो बेचारी फर्स्ट टाइम, सबके साथ ही होता है, ऐसी बात नहीं है, सबने फर्स्ट डे स्कूल जाना ही होता है। दिल सहज दिल छोटा। चलो जी अब चलें घर और आगे की तैयारियां शैरियाँ करते हैं। तो जी टिम हॉटन आ गए हम वापसी में अपने रास्ते पे, हमारा फेवरेट टिम हॉटन, यहाँ से लेंगे कॉफ़ी, मे बी एक लेंगे बेगल। और रास्ते में चलते बनेंगे, सिमरन कह रही है कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीदनी है तो वहाँ पे भी चलते हैं। आ जाए हैं जी चलो फ्रेशको, आई थिंक आप लोगों को इस स्टोर में पहले कभी नहीं लेके आए, तो पहले आप बाहर का नज़ारा देख लो। पंपकिंस पड़े हैं क्योंकि हैलोवीन आने लगा।
आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ सामान हमने नीचे रखा है, कुछ ऊपर रखा। वो इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला सारा सामान जो है प्राइस मैच का है। प्राइस मैच मीन्स ये सब सामान किसी और स्टोर पे सस्ता मिल रहा है इस स्टोर के प्राइस से। सो ये लोग प्राइस मैच करेंगे और उस स्टोर के प्राइस पे हमें ये वाला प्राइस लगा के देंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर MRP का कोई प्राइस नहीं है। सो MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस कुछ नहीं है। हर स्टोर का अपना प्राइस है। किसी स्टोर ने कोई चीज़ सस्ती लगाई, किसी ने कोई चीज़ महंगी लगाई है, तो इसलिए प्राइस मैच यहाँ पर हो चलता है। ज़्यादा थोड़ी ना लिया है, थोड़े से ही तो लिए। सिमरन मना कर रही है इतने सारे नहीं लेने, तो अगर लेने हैं तो आपको कार्ड को धक्का मारना पड़ेगा, तो हम धक्का मारने के लिए तैयार हैं। सेल भी है और चाहिए भी है। सेल है तभी है। चाहिए वाला तो हम रुक जाते हैं। अभी कुछ देर पहले कार्ड का क्या हाल था, अब देख लो जी। कह रही थी थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, ले चलो मेरे को। ये थोड़ी सी ग्रोसरी का हाल है। और किसी दिन ज़्यादा ग्रोसरी करनी पड़ती है, उस दिन क्या होएगा। आ गए जी, गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। सिमरन को वहाँ पे थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि एंड टाइम पे जो हम प्राइस मैच कर रहे थे, उनको दूसरा स्टोर का प्राइस दिखा रहे थे ऑनलाइन, इसका फ़ोन का इंटरनेट चलना बंद हो गया, तो दो चीज़ें वहाँ रखवा दी, तो बाहर आए, इंटरनेट वापस स्टार्ट हुआ, फिर अंदर गए, अंदर जाके फिर सिमरन सामान लेके आई, तब तक मैंने गाड़ी में सामान रख दिया। तो सिमरन क्या क्या सेविंग करी आज तूने? ये देखो, दो बिल बने हैं ना, ये एक दो पे $15 है और एक पे $8 सेविंग। सो ये अगर आप देख सकता है, आई डोंट नो, तो डिस्काउंट एंड सेविंग टोटल हमने खर्चे हैं अराउंड $150 और 15 और $8 जो है तकरीबन $23 हमने सेविंग कर लिया। ओनली बाय प्राइस मैचिंग थ्री आइटम्स, नॉट मोर देन दैट, हमने $23 की सेविंग करी आज। ये आपको जाना पहचाना लग रहा है एरिया, ये हमारे हम पुराने एरिया में आ गए। आज तो हम दोनों की भी छुट्टी है ना, तो घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ग्रोसरी कर रहे हैं। नहीं, खैर हमें यहाँ पर एक काम है। हमारे जो फ्रेंड रहते हैं चड्डा साहब नहीं सन्नी चंद, मनप्रीत चड्डा जी, जो हमारे घर के नेबर हैं,
उनके साथ मेरे को एक किसी जगह पे कुछ घर का सामान देखने जाना है किसी की शॉप पे, रेफरेंस उनकी है। एक्चुअल में उन्होंने भी घर अपना लिया, बट वो भी मूव उनका होने में टाइम है, तो वो अपने लिए भी देखना चाहते हैं, हम अपने लिए भी देखना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या है। और हमारे दिल में धक धक जा रही है कि वहाँ पर दिल सहज क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी। अरे याद आया, मेल भी ले लेंगे यार। हाँ मेल चेक, मेल बॉक्स तो हमारी यहीं पे है, वो मैंने चेंज ही नहीं कराई अभी तक, सारी मेल्स यहाँ पर आएंगी मेरी। चलो हमारा पुराना हाउस, वी मिस यू। अभी भी हमारा ही ऐसी बात है, इसको हम रेंट पे चलाने लगे हैं, आजकल शोइंग्स चल रही हैं इसकी। तो आज शाम को 5 बजे तक इसका भी हमने रिजल्ट कट देना है। वैसे तो हम आ गए हैं जी सन्नी पाजी की पार्किंग में, आके बैठ गया। मेल हमारी चेक नहीं हो पाई, घर के अंदर मेरे को एक छोटा सा काम था, मैं वो भी नहीं कर पाया क्योंकि आजकल सिमरन ने एक्सप्लोरर रखी हुई है अपने पास और मैंने रखी हुई है क्रूज अपने पास, तो मैंने उस घर की चाबी और मेल बॉक्स की चाबी अपने पास रखी हुई थी और वो चाबी घर पर पड़ी हुई है। और बस ये अब थोड़े दिन ऐसे चलता रहेगा, चाबी यहाँ से वहाँ आती रहेगी, वहाँ से यहाँ आती रहेगी। अभी टाइम हुआ है 2:10, सुबह से निकले हुए हैं मैं और सिमरन दोनों, 2:10 हो गए। अब रास्ते में भूख लगी बड़ी जोर की, तो हम आए हैं जी पोपोइस चिकन, लुइजियाना चिकन। सिमरन गई है अंदर बर्गर चखने के लिए, तो यहाँ से खाएंगे और फिर घर निकलेंगे, और फिर बच्चों को रिसीव करने जाना है मैंने, सिमरन को कहीं और जाना है। और वो दिखाते हैं आपको कि बच्चों का फर्स्ट डे कैसा रहा। दिल साज वेयर इज दिल्स, वेयर इज दिल्स, नॉट अलाउड टू गो टू किंडरगार्टन। नाइस द स्कूल, हाउ वाज द स्कूल, गुड, डिड यू क्राई? नो, चले हाय बोल, आई एम बैक, आई एम बैक। दिल साज हाउ वाज योर स्कूल? यहाँ पे देख के बात कर। फ्रेंड्स में स्कूल बहुत अच्छा था। स्कूल भी बहुत सही था, गुड था। तो जी हमारी पहले दिन की टेंशन फिनिश हुई है और ये खुश खुश आए हैं, कह रही है मैं रोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। लो जी घर आने लगा है, घर आने लगा है। घर आने लगा दिल सहज, मेट्स द होम, आ जाओ दिल सहज, कम। सुखी शांति बच्चे सारे आ गए घर वापस, फर्स्ट डे इनका बहुत अच्छा गया जिस हिसाब से बता रहे हैं। वो तो अभी भी कुकर की सीटी की आवाजें भी चल रही है बीच में। तो इसी के साथ क्योंकि दिन बहुत अच्छा गया, सब चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं, हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लेके आते रहेंगे। प्लीज़ 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 शेयर करिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करिए और लाइक एंड कमेंट करना तो भूलिए मत। तो थैंक यू जी सबका, बाय बाय।